22 जनवरी को मुंबई में छुट्टी की घोषणा, स्कूल और कॉलेज भी बंद, महाराष्ट्र सरकार का ऐलान। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इस दिन राज्य में सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े समारोहों में भाग लेने के लिए कर्मचारियों की भावना और मांगों को देखते हुए आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की। 22 जनवरी सभी केंद्र सरकार के कार्यालय, संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में 22 जनवरी को आधे दिन के अवकाश का निर्णय लोगों में जबरदस्त उत्साह को देखते हुए लिया गया है। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, 22 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार के कार्यालय, केंद्रीय संस्थान और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान आधे दिन दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा ने 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। बताया गया है कि इन राज्यों में सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, जबकि गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, ओडिशा और असम सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। इन राज्यों में सभी सरकारी कार्यालय 2:30 बजे तक बंद रहेंगे, ताकि कर्मचारी अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में भाग ले सकें।